शहीद हुए हैं और जिसकी खबर मिलते ही फिर कल से पूरा देश बहुत ज़्यादा गम में है, वह काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी है। इस हुई अति दर्दनाक व अति चिंताजनक आतंकी घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ ही इस दुख व गम की घड़ी में शहीद हुए परिवार के साथ भी खड़ी है। इसके साथ ही इस घटना को अति गंभीरता से लेते हुए हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी ये विनम्र अनुरोध करती हैं कि वे ऐसे विकट के समय में अपने केवल आज के ही नहीं बल्कि इस घटना से जुड़े इसके वास्तविक तारों तक पहुंचने तक अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करके और साथ ही अब अपने चुनावी स्वार्थ व द्वेषपूर्ण राजनीति को भी बंद करके तथा दुनिया के खासकर सभी शांति व अमन पसंद देशों को भी साथ में लेकर अब इनको इस समस्या से निपटने के लिए इसका कोई ना कोई स्थायी हल जरूर निकालना चाहिए। जबकि इस मामले में सरकार के हर कदम के साथ पूरा देश व यहाँ की इनकी सभी विरोधी पार्टियां भी अपने सभी राजनीतिक गिल्ले सिक्वे बुलाकर इस समय इनके साथ एकजुट होकर खड़ी हैं। अर्थात अब इनसे निपटने के लिए केवल यहाँ मात्र कुछ मिनटों का मौन रखने से व शोक प्रकट करने से एवं कैंडल मार्च आदि निकालने से तथा इस घटना के विरोध में मात्र खोखली व हवा हवाई बयानबाजी करने से और हमेशा की तरह इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा आदि करने से भी कोरा काम चलने वाला नहीं है, बल्कि इसके स्थायी हल के लिए अब यहाँ केंद्र की सरकार को व खासकर अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी खुलकर सामने आना होगा। इसके साथ साथ अपनी सरकार की सभी कमियों को भी जरूर दूर करना होगा। ये जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं तो ये घटनाओं को रोकने के लिए हमें काफ़ी कदम उठाने होंगे सरकार को, लेकिन इसके साथ साथ इनको अपनी जो सरकार की जो सभी कमियां हैं चाहे वो इंटेलिजेंस है या और मामले को लेकर सबको इसको दूर करना होगा, वरना इस मामले में कहीं ज़्यादा देरी होने की वजह से फिर यहाँ अपने देश में कोई और भी ज़्यादा अनर्थ ना हो जाए और इसके साथ ही फिर मजबूरी में अपने देश व जवानों के हित में भी यहाँ खुद ही अपनी आर्मी को भी मैदान में उतरने की जरूरत महसूस ना हो जाए, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब केंद्र की वर्तमान सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए इसका कोई ना कोई स्थायी हल जरूर निकालना होगा। ऐसी मेरी केंद्र की सरकार से पुरजोर अपील भी है। धन्यवाद।